ఆత్మమిత్రం ఆత్మమిత్రం యేసుయన్ ఆత్మమిత్రం। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया है कि आज सुबह आकर परमेश्वर की वजन से कुछ बातें मनन करें। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसी के बारे में थोड़ा हम देखें। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। 15वां अध्याय 22 से लेकर 27 तक एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने इसराइली लोगों के बीच में किया है। पानी नहीं था 3 दिन, उसके बीच में एक पानी का स्रोत मिला है, परंतु वो खारा था, कड़वा था, वो पी नहीं पाता था। परमेश्वर ने उनको वो मीठा करके दिया है। उसके बाद वो एलीम का अनुभव, इसी से हम परमेश्वर उन लोगों को कुछ सिखाना चाहता था कि, और वो हमारे लिए भी एक दृष्टांत के रूप में पड़ा है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि उसी के घटना के द्वारा अपने जीवन के बारे में प्रभु परमेश्वर कुछ उनको सिखाना चाहता था। पहले हम देख सकता है कि लाइफ वॉज ए मास्टर, लाइफ इज़ ए मिक्सचर। हमारा जीवन एक मिश्र है, वो दुख सुख हर एक चीज़ों से भरा हुआ एक जीवन है हमारा। उसके बाद वो ऐसे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा मास्टर है, हमको चलाने वाला है, हमारा देखभाल करने वाला है। उसके बाद हमने देखा था कि लाइफ ऑफ ए मिनिस्ट्री, हमारा जीवन को एक सेवा है। परमेश्वर ने हमारे लिए सेवा करके दिखाया है, हम भी परमेश्वर को सेवा करना है, ये हम इसी अध्याय से सीख रहा था। आज हम थोड़ा देखें दे लर्नड सम लेसन्स अबाउट देमसेल्व्स। पहले जीवन के बारे में, अपना जीवन के बारे में उसने कुछ सीखा है। उसके बाद आज अपने आप को कुछ बातें हम सीख रहा है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन एक बड़ा एक लैबोरेटरी, एक कार्यशाला जैसा है। हमारे जीवन में अलग अलग अनुभव से हम रोज हम फेस करता है। हम हो सकता है कभी वो भलाई होगा, कभी बुराई होगा, ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या है। परंतु ये समस्या के द्वारा परमेश्वर हमारा हृदय को एक स्कैनिंग मशीन के अंदर से वो भेज रहा है, क्योंकि रियली हकीकत में हमारा स्थिति क्या है वो देखने के लिए। हम जानते हैं कि ये मारा का अनुभव में उनका जीवन में एक कड़वापन का अनुभव था। उसी के द्वारा इसराइली लोगों को अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने चाहता था, क्योंकि वो लोग वो जानता नहीं है उनका स्वभाव कैसे है, परंतु परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था। हम जानता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या है, हम अलग अलग तरीके से हमारे जीवन के बारे में हम भी सोचता रहता है। इसलिए ये इंसिडेंट, ये घटना हमारे लिए भी एक मार्गदर्शन है। पहला हम देख सकता है कि दे वर लिविंग फॉर सेल्फ, अपना स्वयं के लिए वो लोग जीवन बिता रहा था। हम जानता है कि उसी ने वो अपना स्वयं के लिए, अपना अपना शरीर के लिए, अपना शरीर का ज़रूरतों को पूरा होना है, बाकी आत्मिकता के बारे में, परमेश्वर के बारे में कोई चिंता नहीं है। परमेश्वर ने उनका जीवन में एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया है, एक बहुत चमत्कार का काम परमेश्वर ने किया है। उसी के द्वारा परमेश्वर को महिमा और आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर को हमेशा याद करने वाला लोग होना चाहिए था, परंतु उन लोगों को उसके लिए भी कोई भी बात नहीं है। 3 दिन में उनको पानी नहीं है पीने के लिए, इसलिए वो बाकी सब भूल गया, हमारा शरीर के लिए पानी चाहिए। उसके लिए वो मूसा के विरुद्ध में
गुड़खड़ने लग गया है, बहुत चुप चुप बात करने के लिए लग गया है, है ना। उसी का मेन मकसद यही था कि हमारा शारीरिक आवश्यकता पूरा होना चाहिए। परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर की ओर देखने के जगह में वो क्या किया है, वो कंप्लेन करने, शिकायत करना चालू किया है। हम जानता है कि हम हमेशा हमारा ज़रूरतों के लिए टोटली हम उसके लिए हमारा जीवन बिताता है, हमारा व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। प्रिय विश्वासी हो, हमारा भी जीवन ऐसा तो नहीं है, हम भी प्रभु को महिमा करने के जगह में हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारा शारीरिक जीवन के लिए, हमारा शारीरिक का ज़रूरतों को होने के लिए हम उससे उसके पीछे तो नहीं पड़ रहा है। परंतु परमेश्वर हमको हम चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है हम परमेश्वर को हरेक मुसीबत के टाइम में, हरेक भलाई के टाइम में परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारे जीवन में बहुत समस्या आता है, बहुत टाइट पोजीशन आता है, क्योंकि उसी टाइम हम क्या करता है, परमेश्वर की महानता को हम भूल जाता है हम। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर को महिमा को याद करते हुए इस दुनिया को बहुत छोटा समझ ले। परंतु आजकल विश्वासी लोगों के बीच में भी उल्टा है, परमेश्वर को छोटा समझता है, दुनिया को बहुत बड़ा समझता है। हमारा बौद्धिक ज़रूरतों के लिए, आत्मिक ज़रूरतों के लिए हम इतना ध्यान नहीं देता है, परंतु हमारा बौद्धिक ज़रूरतों को हम बहुत बड़ा ध्यान देता है। हम जानते हैं कि हम हमारा जीवन का बाउंड्री को, उसका सीमा को बहुत हम टाइट करना है, क्योंकि टाइट कर कर हम परमेश्वर को हमारा सेंटर में, हमारा मेन फोकस परमेश्वर को देना है। हम हमारा हमारा विचार और हमारा मोटिव सब परमेश्वर की महिमा के लिए होना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम हमेशा ये ध्यान रखना है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम हमारा स्वयं के लिए और हमारा शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, हमारा शारीरिक का ज़रूरतों के लिए ज़्यादा महत्व ना देते हुए परमेश्वर को महत्व देने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के लिए जिए, प्रभु के लिए हम जिए। जब हम प्रभु के लिए हम जिएगा तो परमेश्वर ने हरेक आशीष हमारे जीवन में देता है। इसलिए हम मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय उसका 33वां पद में ऐसी पढ़ता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हमको परमेश्वर के बारे में सोचना, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है, स्वर्ग के बारे में सोचना है। जब यही बात, क्या बात है, उसके पहले हम देख सकता है कि परमेश्वर ने लोगों को सोच के बारे में क्या पिएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ऐसी बहुत सारा समस्या लेके लोग घूम रहा है। जब परमेश्वर बोल रहा है देख जानवर को और पेड़ पौधे को सबको मैं संभाल रहा है, उसको खाने के लिए मैं दे रहा है, इसलिए तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है। तुम सोचने से पहले उनको क्या क्या चाहिए उसका आवश्यकता को मैं जानता है, इसलिए तुमको उसी के बारे में चिंता नहीं करना। तुमको क्या करना है, प्रभु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, प्रभु की महिमा के लिए हम कैसे जिए, प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें, ऐसी सोच कर जीवन बिताने के लिए हमारा जीवन, हमारा 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 शारीरिक ज़रूरतों से भी बढ़कर हमारा आत्मिक ज़रूरतों के लिए ध्यान देते हुए उसके लिए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम् येशु।